हिसार के बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने हिसार के सांसद के रूप में अवसर देने के लिए पार्टी के साथ पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को धन्यवाद दिया है। दिलचस्प की बात यह है कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह किसान नेता सरद छोटूराम के परनाती और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रजेंद्र सिंह पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को भाजपा ने हिसार लोकसभा सीट से टिकट दिया था। उन्होंने ही जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि दोनों पिता पुत्र लगातार हरियाणा में भाजपा को जज्बा में गठबंधन तोड़ने की वकालत कर रहे थे। जब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी तक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी के साथ गठबंधन लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। ब्रजेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद भाजपा की हरियाणा में सरकार के सहयोगी जजपा का रास्ता अब साफ हो गया है। भाजपा की टिकट को लेकर कोर कमेटी की एक बैठक रविवार देर शाम होने की संभावना है। इसमें भाजपा कुछ सीट पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सूत्रों के अनुसार ब्रजेंद्र सिंह सीट को लेकर भी आश्वस्त नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। उसका तो मुकुल जी ही उसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमने तो एक अब डीएमके का वेणुगोपाल और मुकुल जी को हमने वहां भेजा था, जो अलायंस के सीट अपने गठबंधन के लिए, तो वहां पर हमारा हो गया। 10 जो हमारे पहले थे उस 10 को उन्होंने माना है। मैं टीएमसी अपने डीएमके के नेता स्टालिन को धन्यवाद देता हूं कि बहुत स्मूथली उन्होंने इसको सुलझाया और सब मिलके काम करना इस पे सहमति बनी। और हमारे जो टीम वहां पर गई थी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मिलजुल के इस समस्या को उन्होंने सुलझाया, इसीलिए वो ठीक ठाक हो गए। हर जगह जहां भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी हो सकता है किसके साथ भी बिफोर विथड्रॉल। अगर भी इसी विचारधारा की वजह से बिल्कुल, बल्कि जो 2 अक्टूबर को हमने जींद में रैली की थी उसमें एक और चीज जो उठाई गई थी, वो जो गठबंधन था हरियाणा में बीजेपी का और जेजेपी का, उसके संदर्भ में जो एक निर्णय वहां लिया गया था, तो वो भी एक कारण। क्यों खुश नहीं है बीजेपी से आप, विचार के अलावा? वो मैंने बता दिया। हरियाणा में सर आप लोगों की सरकार है, आप मौजूदा सीट छोड़कर आ रहे हैं। हाँ। नहीं, वो मैंने बता दिया, जो 3 मेन मुद्दे थे वो बता दिए। क्या और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है। क्या वो सिटिंग एमपी होंगे या नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।